दार्जिलिङ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत तकदहा रेन्जर्स अफिसमा अरण्य समाप्त पालन गरियो। राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीको निर्देशनमा प्रत्येक वर्षको 14 देखि 21 जुलाई अरण्य समाप्त पालन गरिँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा आयोजित उक्त अरण्य सप्ताह कार्यक्रमको अध्यक्षता भूमि अनि भूमि सुधार विभागका पञ्चायत कर्माध्यक्ष प्रवेश लामाले गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा रङ्गलिएट थानाका प्रमुख वसिम वारीले आफ्नो कर्मचारीहरूको टोलीलाई नेतृत्व गरेका थिए। यसरी नै तकदहा रेन्जर्स अफिसका रेन्जर देवाशिष हलदार, बीट अफिसर मनोहर खवास अनि अरू कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेका थियो। क्रमश जोइन बिडिओ समीर दास, तकदहा ब्लक पञ्चायत सदस्य जितेन सुब्बा, यसै गरी ग्रिन सिल्ड स्कुलका प्रिन्सिपल चन्द्रकुमार लामा, साथमा विद्यार्थीहरू लगायत ग्रिफिथ माध्यमिक उच्चतर विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सहभागिता वृक्षारोपण गरियो। यसरी नै ग्रिफिथ माध्यमिक उच्चतर विद्यालय विद्यार्थीहरू बीच बसेर चित्र बनाऊ, कविता र गीत गायन प्रतियोगिता राखियो, जसमा प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रोलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको जानकारी कार्यक्रम सञ्चालक राजु छेत्रीले डिएसटिभीका प्रतिनिधि अल्ताफ हुसेनलाई दिएका छन्। यहाँ त यो डिके पाटीलाई क्याटेगोरीमा थियो जुनियर बोइज, दोस्रो थियो सिनियर बोइज चेस टुर्नामेन्ट, अनि तेस्रो थियो सिनियर गर्ल्स चेस टुर्नामेन्ट। यस कम्पिटिसनको हिजो मात्र फाइनल खेल समाप्त भइसकेको छ र आज हामी उहाँहरूलाई यस वन महोत्सव कार्यक्रमको दिन नै उहाँहरूलाई पनि हामी यो पारितोषिक वितरण गर्नेछौँ भन्दै सर्वप्रथम जुनियर बोइज चेस टुर्नामेन्टका बेस्ट प्लेयर अनि विनर रहेको छ आदर्श भटुरी कक्षा 8 श्रेणी, सायद यहाँ आउनु हुनुहुन्न होला, त्यसोले यो हामी एसेम्ब्लीको दिन उहाँलाई दिनेछौँ। त्यस पश्चात सिनियर बोइज चेस टुर्नामेन्टबाट बेस्ट प्लेयर अनि विनर हुनुभएको छ 10 श्रेणीबाट आर्यन प्रधान, र आर्यन प्रधानलाई पारितोषिक वितरण गर्नुहोस्। र आर्यन प्रधान सिनियर बोइज चेस टुर्नामेन्ट विनर, सो बेस्ट प्लेयर अनि विनर रहेको छ क्लास 10 बाट सिमरन तामाङ।
अनिश गुरुङ सँग लिएर अर्पण तामाङ स्थानमा रहेको छ मा आउनको निम्ति धेरै कम्पिटिसन टप भएर 29 अङ्क लिएर निशान भट्टराई एकको स्थान ओभरअल कम्पिटिसन भएको थियो त्यसमा प्रथम स्थान ओभरमा सफल भएको रहेछ विद्यार्थी प्रेम दिजी तामाङ तामाङ बाह्र श्रेणीबाट प्रधान अनि तेस्रोमा रहेको छ दोस्रो स्थान आर्य प्रधान आउनुभएको छ 11 श्रेणीबाट श्रीमती बरदेवा महेश बरदेवा स्कुलको यो भवनमा छौँ राजवेश कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा जोइन्ट लिडर्स साहेब अनि हाम्रा तत्त्वकाम ग्राम पञ्चायत वार्ड मेम्बर जितेन्द्र सुब्बा ज्यू साथै हाम्रा रेन्ज अफिसर सप्ता रेन्जका यसरी नै हाम्रा विङ अफिसर लगायत वन विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीवर्ग साथै आजको यस दिनमा हाम्रा यसै विद्यालयका शिक्षकगण लगायत हाम्रा विद्यार्थीवर्गलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट स्वागत अभिवादन जनाउँदै र आज हामी विशेष यहाँ भेला भएको छौँ र जुन भेला के को लागि भन्दा आज हाम्रो जुन वर्षमा 14 जुलाईदेखि 21 जुलाईसम्म चाहिँ जुन एउटा धन महोत्सव भनिन्छ अरण्य सप्ताह एक हप्ताको लागि चाहिँ यो सप्ताह चलिन्छ जसमा चाहिँ एउटा हामीले वृक्षरोपणको कार्यक्रम हुने गर्छ यो आजको मात्र यस वर्षको मात्र रुटिन नभएर यो एभ्री इयरको नै रुटिन हुन जान्छ हामीसँग हुन्छ तकदा रेन्जका रेन्जर अफिसर देवाशिष हलदरज्यू उहाँसँग जान्ने रहेछु आज जुन यो पर्यावरण दिवसमा 14 जुलाईदेखि लिएर 21 जुलाईसम्म जुन चाहिँ एउटा अरण्य सप्ताह मनाइरहेको छ अच्छा सर जो यो आफ्नो आज जो वृक्षारोपणका कार्यक्रम किए हैं 14 जुलाई से 21 जुलाई तकका जो अरण्य सप्ताह है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस विषयमा थोडा जानकारी दिनु एक्चुअली हरिजङ्गलका जो कृषि महोत्सव बनाउनका निर्देशमा हम लोग 14 से 21 जुलाई तक ये वन महोत्सव का मलबार वेस्ट बंगाल में वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें हम लोगों का एक ही गोल है जो पूरा मतलब बंगाल में अच्छा से मतलब प्लांट को प्लांटेशन मतलब प्लांटेशन है मेन उद्देश्य तो उसमें हम लोग बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल वगैरह एनजीओस क्लब लोकल एमएलएस सब एक साथ मिल के हम लोग के प्रोग्राम अनाउंस किया है इसमें मेन फोकस है प्लांटेशन प्रोग्राम तो हम लोग आज सुबह तो नीचे हम टू कंपार्टमेंट अगरेंस के अंदर में वहाँ पर प्लांटेशन किया और अभी इधर में बीटी था स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम था इधर भी हम लोग प्लांटेशन स्कूल का टीचर लोग के हेल्प लेके बहुत सारे पेड़ लगाए
अच्छा सर, इसका कुछ लक्ष्य रखे हैं आप लोग, कितना प्लांटेशन करना पड़ेगा, कुछ संख्या क्वांटिटी इसका कुछ होता है? संख्या क्वांटिटी इस बार तो टोटल आर आर ब्लॉक के अंदर मेरा सागर का जितना एरिया है लगभग ऐसे 4 से 5 हज़ार सीडलिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, लगभग हो गया और अगले 2-3 दिन में और जो लक्ष्य है वो आप 4-5 हज़ार पूरा कर लेंगे? 5 हज़ार पूरा। अच्छा, इसमें जो सीडलिंग कर रहे हैं कौन कौन सा पेड़ का आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? किस में एक्चुअली हिल मिस्लिनिया से इसमें ऑक्फर भी है और चिलोनी है, ऐसे हिल्स का जो मेन डिस्ट्रीब्यूट है हम लोग यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू सर।